हाय आई एम डॉक्टर पीके तलवार कॉस्मेटिक सर्जन न्यू दिल्ली, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ एंड प्रेजेंटली आई एम रनिंग माय ओन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर क्लाश पार्ट वन प्रीवियसली आई वॉज अटैच टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स आज मैं आपसे जिस टॉपिक बात कर रहा हूँ उसका नाम है सीडो गायनोकोमिस्ट्रिया तो ये क्या है देखिए स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स कोई चीज़ जो झूठी है या एक झूठा इंप्रेशन आपको दे रही है तो उसको हम स्यूडो बोलते हैं जैसे आजकल आप लोग बहुत सुनते हैं स्यूडो सेकुलर है यादा चीज़ आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे पॉलिटिक्स में तो उसी तरह से सी ये सीडो गाइनिकोमिस्टिया मतलब जो कि फॉल्स है असल में वो गायनिकोमिस्टिया नहीं है लेकिन वो इंप्रेशन देता है गायनोकोमिस्टिया का अब गायनिकोमिस्टेक है इस बारे में मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था कि गायनी गायनिकर्थ होता है फीमेल से रिलेटेड स्त्रियों से रिलेटेड या स्त्री लिंग से रिलेटेड ओमेस्टियाइज ब्रेस्ट तो स्त्रियों की तरह जब ब्रेस्ट हो जाती है पुरुषों की तो उसको हम गाइनिकोमेस्टिया बोलते हैं लेकिन स्यूडो स्यूडोगोमेस्टिया क्या होता है कि जिसमें कि गायनिकोमेस्टिया नहीं है वास्तव में लेकिन वो एक इंप्रेशन देता है कि या उस लड़के को गायनिकोमेस्टिया है तो उसको स्यूडो गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं तो ये फर्क है दोनों में लेकिन ये तो टर्मिनोलॉजी का फर्क है लेकिन हम अगर आप पूछेंगे कि भाई हमारे शरीर में क्या ऐसा चे, चेंज है कि इसको आप साइडो सर्कुलर सीडो बोलेंगे गायनोकोमेस्टिया या एक्चुअल गायनोकोमेस्ट्रिया बोलेंगे तो देखिए इसमें ये बताऊंगा कि गायनोकोमेस्ट्रिया में हमेशा ग्लैंड बड़ी होती है ब्रेस्ट ग्लैंड जो होती हैं क्योंकि हर पुरुष के शरीर में ये ब्रेस्ट ग्लैंड होती है लेकिन वो रूडोमेंट्री होती है वो डेवलप नहीं होती है और जब वो डेवलप हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो उसको गायनोकोमेस्ट्रिया बोलते हैं सीडो में क्या होता है कि ग्लैंड बड़ी नहीं होती है सिर्फ फैट फैट जमा हो जाती है ग्लैंड के आसपास जो रेडोमेंट्री है हमारी ग्लैंड उसके आसपास फैट जमा हो जाती है तो फैट के जमा होने से भी उसके जो ब्रेस्ट के साइज बड़ा दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में वो गायनोकेमिस्ट्रिया नहीं है वो सीडो गाइनोकोमिस्ट्रिया क्योंकि उसकी ग्लैंड नहीं बढ़ी है लेकिन उसका आकार प्रकार इस तरह से हो जाता है कि दूर से देखने पर लगता है कि भाई ये इसको ही सफरिंग फ्रॉम गायनोकोमिस्ट्रिया तो ये बेसिक डिफ्रेंस है सीडो गाइनोकोमेस्ट्रिया और गायनोकोमेस्ट्रिया में और इसका रिलेशन क्या है आप लोगों के साथ क्योंकि कई पेशेंट ये पूछते हैं कि सर क्या हम एक्सरसाइज के द्वारा आप गायनोकोमिस्ट्रिया को ठीक कर सकते हैं या हम कोई स्टेप लगा लें जिससे वो दब जाए तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीडो गाइनोकोमेस्ट्रिया जहाँ सिर्फ चर्बी है उसको आप शायद एक्सरसाइज से कम कर सकें अगर चर्बी आपकी बाकी जगह से कम होती है वहाँ से भी थोड़ी कम हो जाएगी आप टाइट बेल्ट लगा सकते हैं उससे भी आपको थोड़ा फर्क पड़ जाएगा हालांकि इसमें भी कई बार ज्यादातर टाइम आपको लाइपो कराना पड़ता है क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना आप शायद चाहते हैं तो उसमें हम लोग चूंकि चर्बी जमा इसलिए सिर्फ लाइपोसक्शन करते हैं और गायनोकोमिस्टिया में हम लाइपोसक्शन भी करते हैं क्योंकि ग्लैंड के आसपास भी चर्बी जमा होती है तो लाइपोसक्शन भी करते हैं गायनोकोमिस्टिया में और ग्लैंड को भी काट देते हैं तो वो अलग तरह की सर्जरी होती है इसमें हम लोग सिर्फ लाइपोसक्शन करते हैं तो ये फ़र्क है गाइनोकोमेस्टिया और सूडो गायनोकोमेस्ट्रिया में लेकिन अगर आपकी स्तन या चेस्ट बड़े हो गए किसी भी बालक के जो भी प्यूबर्टी से ऊपर है पंद्रह चौदह पंद्रह साल से ऊपर है और अगर आपको लगता है कि ये जो लुक है ये अच्छा नहीं है तो आपको अपने किसी भी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें वो आपको एग्जामिन करेंगे वो आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल गायनोकोमेस्ट्रिया है या सीडो गायनोकोमेस्ट्रिया है और उसी के हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और नेचुरली एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद उम्मीद यही की जाती है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो परमानेंट मिलेगा और इसमें आप किसी भी तरह का संकोच न करें लेकिन मैं हर बार अपने दर्शकों से कहता हूँ कि किसी योग्य क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास आप जाएँ जो कि इंडियन बोर्ड सर्टिफाइड हो और जिसने एम प्लास्टिक सर्जरी की हो तो ये बहुत जरूरी आपके लिए क्योंकि आजकल हर आदमी एरा गैरा आदमी आजकल कॉस्मेटिक अपने आप को कॉस्मेटिक सर्जन बोल रहा है चाहे वो जनरल सर्जन है या डेंटिस्ट है या कई लोग हैं इस तरह के तो ये ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है चाहे वो सीडो हो या गायनोकेमिस्ट्रिया हो ये आपकी परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी तो आप इसमें किसी तरह का संकोच न करें और अपने प्लास्टिक सर्जन से इस बारे में संपर्क करके अपना इलाज कराएं और स्वस्थ रहें सुखी रहें और अगर आपको और भी किसी प्रश्न का जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारी टीम से संपर्क करने में आप किसी तरह का संकोच मत करें हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में और अगर, अगर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि भविष्य में भी हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहें और ज्ञानवर्धक बातें करते रहें थैंक यू वेरी मच